आपका मूल्यवान हीरा चुराने का अपराध इन्होंने नहीं, मैंने किया है। तुमने जो किया अब उसका फल भुगतो। भद्रसाल! बिल्कुल भाई, बिल्कुल वही कर रहे हैं आप सम्राट, जो सेलिक्वेस चाहता है। अच्छा, हीरा तुमने चुराया, इससे सेल्यूकस का क्या संबंध? मुझे क्षमा करे सम्राट, किंतु उस हीरे को चुराने के लिए मुझे सेल्यूकस ने ही कहा था। उसने मुझे वचन दिया था कि उस हीरे को चुराने के बदले वो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मत भूलो मैं तुम्हारे मुल्क का मेहमान हूं। फिलिप निकनोर! बुरा लगता है ना जब कोई आपकी कमजोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सबसे करीबी लोगों के सामने प्रस्तुत करे, किंतु ऐसा करने के लिए विवश आप ही ने मुझे किया मित्र सेल्यूकस। आज सुबह आपने मुझसे कहा कि मेरी सैन्य व्यवस्था सशक्त नहीं है, और उदाहरण स्वरूप आपने मुझे मेरा ही हीरा उपहार में दिया। तो मैंने भी सोचा कि इसका उत्तर मैं किस प्रकार दूं। कैसा लगा मेरा उत्तर? देखो, दोष और कमियां तो तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में भी है। तुम तो केवल मेरे बहुमूल्य हीरे तक पहुंचे, किंतु मैं तो तुम्हारी गर्दन तक पहुंच गया। क्या होता? मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमारी राजनीतिक संधि और मित्रता में किसी प्रकार का द्वेष ना आए, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। एक अवसर, एक वंद के रूप में। आज चंद्रगुप्त के जीवन का अंतिम दिन होगा और मुझे मेरा प्रतिकार प्राप्त होगा। चंद्रगुप्त, इस द्वंद से तुम्हें एक शूरवीर योद्धा के भांति उठकर विजयी होकर बाहर निकलना होगा। उठो।
मेरी ओर देखो। मेरी ओर देखो। जो मैंने बताया उसका स्मरण करो। बुद्धि सदा बाहुबल पर भारी पड़ती है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त।